आप सभी को नमस्कार मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से अपने पूरे सफर को देख लेते हैं जीओसी वाले को, और कल हमारा पूरा जीओसी का सफर खत्म हो जाएगा और परसों से हमारा नया सफर स्टार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब तो आप मुझे थोड़ा धीरे धीरे लगता है थैंक यू बोलना स्टार्ट कर रहे होगे मन ही मन में, मुझे मत बोलना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया कि जीओसी होता क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें अपने अप्रोच डेवलप करने हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें जानने और क्या कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं, इतना हमने सीख लिया। फिर इसके बाद हमने सीखना स्टार्ट किया बहुत ही अच्छे से कि जीओसी में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम के कुछ जुगाड़ होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनको हमें बहुत ही अच्छे से सीखना है और उसको फिर अप्लाई करना आना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। ये जितनी भी हम तैयारी कर रहे हैं ये सारा का सारा तैयारी हम उठा के रिएक्शन मैकेनिज्म में लेके जाएंगे और उनको एकदम अच्छे से सीख पा रहे होंगे। उसमें सबसे पहले हमने सीखा कि परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, और मैंने फिर बोला था वहां पर हमारे पास क्या होता है एक टेम्पररी इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक। तो आज वो दिन आ गया है जब मैं आपको टेम्पररी इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही कम टीचर्स भी बता रहे होते हैं। जहां पर आपको दिक्कतें आती है वो वही टॉपिक है जहां पे आपको सारी दिक्कतें सारे कॉन्सेप्ट दूर कर रहा होगा। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को हम एक ही करके समझते हुए चलेंगे। और फिर कल मैं जो टॉपिक डालूंगा उसमें क्या रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, बेसिसिटी निक्लोफिलिसिटी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इस तरीके से कल हमारा पूरा जीओसी खत्म हो जाएगा। और मैं क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूं बहुत ही अच्छे वाले, उन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो आपको उसके अलावा कोई क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए जीओसी के लिए काफी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का पार्ट समझना। देखिए सबसे पहले जो बात मेरी दिल में आती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए वो सबसे पहले बात यही आती है कि यह तब तक काम करेगा जब तक नजरों के सामने अटैकिंग एजेंट रहा होगा। मतलब कि अटैकिंग एजेंट जब तक रहा होगा तब तक वर्क कर रहा होगा, जैसे ही अटैकिंग एजेंट गायब वैसे इसका वर्क करना भी गायब। हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि सब्सट्रेट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा भी था या नहीं लगा था। तो यही वो बात है जिसकी वजह से इसको टेम्पररी इफेक्ट बना देती है। जो परमानेंट इफेक्ट थे वो मॉलिक्यूल में सदाबहार थे, हमेशा मौजूद थे, वो रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन ये यहां पर सदाबहार नहीं है। ये जब तक रिएजेंट आएगा उसके सामने आंखों के तभी वो वर्क करेगा, और जैसे ही गायब इसका काम करना भी खत्म। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेंपरेरी इफेक्ट माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है यह इफेक्ट अनसैचुरेटेड सिस्टम में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज एकदम क्लियर रखिए, जितने भी आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड सब्सट्रेट पढ़ोगे वहां पर जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो कॉन्सेप्ट पक्का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा, वो आपको आगे रिएक्शंस में हेल्प कर पा रहा होगा। फिर आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड अपने आप को कुछ इस तरीके से पोलरिटी डेवलप करेगी ताकि अटैकिंग एजेंट को बढ़ावा मिल सके। ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं यहां समझाऊंगा एकदम अच्छे से। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स हैं जहां जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स को अप्लाई करना। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपसे बात करता हूं एल्कीन की। अगर मेरे सामने कोई एल्कीन है सब्सट्रेट है और इस एल्कीन के सामने अगर मैं क्या लेके आता हूं HBr लेके आता हूं तो अगर मुझे इधर लगाना है कि यार ये रिएक्शन फर्दर कैसे होनी चाहिए, इस रिएक्शन में मैं ऐसा क्या सोचूं कि इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दूं, तो आपका सोचना है वो इस तरीके से सोचना है कि एक मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है तो क्यों ना जिस तरीके से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव क्या है पोलैरिटी डेवलप है, क्यों ना इस सिस्टम में इस मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में भी कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ ऐसी कुछ जुगाड़ हो, कुछ ऐसे कुछ टूल्स हो जो यहां पर पोलैरिटी डेवलप कर दे, और जैसे ही पोलैरिटी डेवलप होगा जैसे ही हमें चार दिखेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल लगा देंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं कि ये एक एल्कीन है और ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप क्या कर सकते हो जो ये पाई बॉन्ड है क्या आपको दिख रही है, ये जो पाई बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हो इस तरफ तो इससे जो तस्वीर आ रही होगी वो तस्वीर कुछ इस तरीके से आपको चमक रही होगी दिख रही होगी। ये जो आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शिफ्ट किया है ताकि आप अटैकिंग रिएजेंट को बढ़ावा दे सको अटैक करने के लिए, इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं एकदम सिंपल भाषा में। क्या समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो एकदम अच्छे से। तो आप देखो कितना आसान हो गया कि आपके पास यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इस वाले पार्ट में भी यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो आप H पॉजिटिव को यहां चिपका रहे होगे। सबसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव आके चिपकता है क्योंकि एक RDS स्टेप होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इज द RDS स्टेप। जब एल्कीन की हम रिएक्शंस पढ़ते हैं इसको मैं बहुत ही डिटेल
में बहुत ही अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में समझा रहा हूंगा। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स की थोड़ी कहानी है, तो अगर ज्यादा लेके जाऊंगा तो आप डर जाओगे सर केमिकल काइनेटिक्स कहां से लेके आ गए, उसको हटाओ। मैं तो बस इतना बोल रहा हूं, आपने जिस पाई वर्ड को इस तरह से किया है सारा का सारा क्यों किया, ताकि इस पे पॉलिटी डेवलप हो जाए, ताकि यहां से अटैक यूनिट आराम से आके अटैक कर दे, तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर नजर आ रही होगी। क्या नजर आ रही है? और यहां पे पॉजिटिव है और अगले स्टेप में BR नेगेटिव, आप नहीं भी बोलोगे, आप नहीं भी अटैक कराओगे तो अपने आप जाके चिपक जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई अनचार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं रही होती है। क्या आप समझ पा रहे हो? जो आपने ये काम किया स्टार्टिंग में, इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते थे। अगर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाते, नहीं करते, तो आप रिएक्शन कर भी नहीं पाते आगे। क्या समझ पा रहे हो? इसी तरीके से आप एल्कीन में अगर समझ पा रहे हो, इसी तरीके से आप एल्काइन में भी समझ सकते हो, मतलब किसी भी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में समझ सकते हो। देखिए, अगर मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं, तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड की आपसे बात करता, तो हमारे पास एल्डिहाइड का सिस्टम ये रहा होता है, तो सामने से हमारे पास क्या रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल रहा होगा। क्यों भाई न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि हमेशा जो हमारे पास सब्सट्रेट होता है उसकी अपोजिट पोलैरिटी का ही रिएजेंट रहा होता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए हुआ क्या है, ये पॉजिटिव आया क्यों? क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। क्या समझ पा रहे हो? क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा तभी वहां पॉजिटिव आएगा, और यहां न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक कर पा रहा होगा। जो ये आप काम कर रहे हो दोबारा से इस तरीके से, इसी को ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल NU आ जाएगा, और अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे? वर्कअप कर देंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं, BSc MSc में जाते हैं, तो जो भी पानी वगैरह ऐड करना होता है, ये सब चीजें ऐड करनी होती है, इनको वर्कअप बोलते हैं, मतलब कूड़ा कचरा टाइप का, उसको मतलब खत्म करना होता है सारा का सारा। तो यहां पर O- से घबराइएगा मत, ये पक्का वाटर के साथ मिलके OH वाला पार्ट बन रहा होगा। हमें तो जो बात समझने वाली है, हमें तो वो जो बात निकल के आ रही है, वो निकल के यही आ रही है सिंपल सी, कि भाई साहब यहां पर जो आप इस तरीके से कर रहे हो, आपको ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या ड्राइविंग फोर्स है जो इस तरीके से करने की कोशिश कर रही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? आप जो कुछ इस तरीके से कर रहे हो, ऐसी क्या चीज है जो आपको एकदम ऐसे ही मजबूर कर रही है करने को? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो टेम्पररी इफेक्ट जो कि आपको मजबूर करता है किसी भी पाई बॉन्डेड सिस्टम को पोलैरिटी डेवलप करने के लिए, ताकि अटैकिंग एजेंट सामने से अटैक कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। क्या समझ पा रहे हो? यही सिंपल चीजें, यही सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर अप्लाई करने रहे होंगे। देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं समझाना आपको चाहता क्या हूं, अब बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए, एक मैं एग्जांपल यहीं पे सिखा देता हूं। ये जो आपने सीखा है, ये जो आपने किया है, इसको बोलते हैं प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक, कि जब हम बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़े जो अटैकिंग एजेंट की तरफ जाए। देखो, ये इस तरफ जो एरो कर रहे हैं वो अटैकिंग एजेंट की तरफ जा रहा है ना, अटैकिंग एजेंट की तरफ जा रहा है, जो एरो हमने तोड़ा तो अटैकिंग एजेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये एरो अटैकिंग एजेंट से दूर जा रहा है। देखिए, यहां से ये एरो अटैकिंग एजेंट से दूर जा रहा है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगे, जब बॉन्ड को तोड़े, पाई बॉन्ड को तोड़े, और जो हमारे पास तोड़ने पे अगर जो एरो अटैकिंग एजेंट की तरफ जाए तो उसको प्लस ई बोलते हैं, और जब अटैकिंग एजेंट से दूर जाए तो उसको माइनस ई बोलते हैं। यहां अगर आप फील कर पा रहे हो, तो यहां से ये आ रहा है, तो यहां से ये आ रहा होगा, ये दोनों मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको फील कर पा रहे हो, यहां से ये जा रहा है और ये इससे दूर भाग रहा है, ये मिल नहीं पा रहे हैं, तो प्लस ई और माइनस ई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होता। आपको तो बस यही सीख रहा था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, जब आपने ये सारा सीख लिया है, तो क्यों ना हम लोग इसको अप्लाई करना सीखे और अच्छे से, कि आपका क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप कैसे अप्लाई कर पा रहे होंगे। देखो, अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं, बहुत अच्छे से चीज सिखाऊं, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है कुछ इस तरीके से, ध्यान समझिएगा, कि हमारे पास अगर मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है H, और ये हमारे पास क्या है H, और सामने हमारे पास क्या है RMgX, और यहां पर हमारे पास क्या है H3O+, ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, और यहां पे बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। मुझे पता है मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं सिखाया और नहीं केमिस्ट्री में GUC के अलावा, लेकिन इतना ही काफी है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यही मैं आपको बार बार सिखाना चाहता था। दोबारा मैं बोलूंगा, सारा और नहीं केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है, वो इस क्वेश्चन में मैं आपको खत्म करना चाहता हूं। देखिए, ध्यान समझिए,
सबसे पहले आप तो इस रेडिएंट को समझिए, इस रेडिएंट भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों भाई? इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ जब मैग्नीशियम लगा तो मैग्नीशियम क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव, और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव। तो अब आप देखिए जो ये बॉन्ड है वो इस तरह से शिफ्ट होगी, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, क्या आप फील कर पा रहे हो? ये जो आप काम कर रहे हो इसी को ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये जो काम मैं कर रहा हूं, आप अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन मैं कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा कि अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगी नहीं, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तो सामने से एटैक अटैक नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पर इसको इस तरह से कीजिएगा तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है वो मजबूर हो जाएगा इस पॉजिटिव पे अटैक करने के लिए, क्योंकि सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाना पड़ता है। तो जब आप ऐसा कर पा रहे होंगे तो यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट आ रहा होगा मिलकर वो ये आ रहा होगा O- यहां पे आ रहा होगा R और यहां पे था H। अब अगले ही स्टेप में क्या है आपके पास, इस O- पे आपके साथ चिपक जाएगा MgX जो कि पॉजिटिव पार्ट है, क्यों? इसके ये नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा तो पॉजिटिव पार्ट O- पे जा रहा होगा। अगले स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है, H2O है ना, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कंडीशन, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। जब भी हम लोग हाइड्रेशन करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, यहां पर H लगाइए, यहां पर OH लगाइए, क्योंकि O- है तो H+ आएगा और प्लस है तो OH- आएगा। तो अब जो हमें आंसर निकल के आ रहा होगा वो आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से रहा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपने एल्डिहाइड से अल्कोहल बना दिया, और आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं सिखाया, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया। एक्चुअली अगर सच बताऊं तो यही होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर क्या बोल के समझ नहीं आ रहा, न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और एडिशन इसलिए क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम पे ये एडिशन हो रहा है। यहां पर अनसैचुरेटेड सिस्टम गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सिस्टम बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑलवेज शो करते हैं प्रॉपर्टी होती है, और ये रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसलिए मैं इसको बोलता हूं मोर अच्छे से, बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को लगता है अप्लाई करना सीख गए बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ऐसे ही हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए जब आपको मैं एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ये तो हमने बात कर ली एल्कीन की, एल्डिहाइड कीटोन की, एक बार एक और बात उठा लेते हैं। तो अगर उठा लेते हैं तो ध्यान समझिएगा क्या बात है, वो हमारे पास वो बात सिंपल सी, हमारे पास सिंपल सी ये रही होगी कि ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन के सामने अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लेके आ जाऊं तो ये जो बेंजीन का ये डबल बॉन्ड है अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करना चाहेगा, किसी भी तरफ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो शिफ्ट करके क्या हो रहा होगा, ये शिफ्ट करके यहां पर आप पे नेगेटिव आ रहा होगा और यहां पर पॉजिटिव आ रहा होगा, और सामने से इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, सामने से इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। ये जो आपने काम दोबारा किया है, आप एरो को इस तरफ लेके जाइए या उस तरफ लेके जाइए, बात एक ही है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, इसी को ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा होगा कि ये जो चीज कर रहे हो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या समझ पा रहे हो? चलिए ठीक है, अभी तक हम बहुत चीज समझ गए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, लेकिन अब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन को गवर्न कौन करता है, कोई ऐसी चीज है क्या जिससे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन गवर्न होती है? तो एक क्वेश्चन उठाता हूं आपके सामने सिंपल सा, यहां पर लिखता हूं CH3, यहां पर लिखता हूं CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लिखता हूं मैं H+, मान लीजिए मैं H+ लेता हूं और सामने एल्कीन है। अगर मैं इस चीज को समझाऊं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं, बहुत अच्छे से समझाऊं, तो आप क्या करोगे कि एक बार इस बॉन्ड को यहां तोड़ दो, तो आप बोलोगे सर आप इस तरफ भी तो तोड़ सकते हो, तो लीजिए हम आपकी तसल्ली के लिए इस तरफ भी तोड़ देते हैं, पहला हम इस तरह से करते हैं, दूसरा हम इस तरह से करते हैं। जब हम ध्यान समझिएगा जब हम पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, जब बॉन्ड उस तरफ तोड़ेंगे, तो हमारे पास जो आ रही होगी चीज वो आ रही होगी CH3 CH+ CH2-, और जब हम दूसरे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारे पास जो चीज आ रही होगी CH3 CH- और CH2+। एक्चुअली जो पिक्चर है वो आपको पिक्चर ये वाली नहीं दिखेगी, सीधा H+ आएगा इन पे अटैक कर लेगा, और जो आपको पिक्चर दिख रही होगी ये होने के बाद, वो पिक्चर आपको ये वाली दिख रही होगी CH3 CH+ CH3, और ये दिख रहा होगा CH3 CH2 CH2+। फिर समझा रहा हूं मैं कि आप जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगा रहे होगे तो जब आप इस तरह करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा सर इस तरह भी कर सकते हो, तो मैंने बोला 1-2 कर दिया मैंने, तो ये चीज आ रही है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए बना दिया है। आपको जो चीज दिख रही होगी वो चीज ये दिख रही होगी, क्योंकि H+ एकदम तैयारी में रहेगा एकदम अटैक करने के लिए। अगर आप बताइए पोलैरिटी डेवलप होगी तो क्या अच्छा H इंतजार करेगा कि आप देख लीजिए फिर मैं आके अटैक करता हूं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला भाई, वो तो सीधे आएगा H पॉजिटिव अटैक कर देगा, फिर आपको जो चीज मिल रही होगी ये आपको देखने को मिलने वाली है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए ये क्या चीज है, ये कार्बोकैटायन है और
ये क्या चीज है, ये भी कार्बोकैटायन है। क्या आप देख पा रहे हो, ये दोनों ही कार्बोकैटायन है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आप बताइए 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है? 2 डिग्री। कौन होता है? 2 डिग्री, क्योंकि यहां पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये वाला आपका मेजर रहा होगा और ये वाला आपका माइनर रहा होगा, इसीलिए नंबर 1 वाला ज्यादा फेवरेबल होगा ओवर 2 नंबर 2 वाला। मतलब हम नंबर 2 तरीके से नहीं कर सकते, नंबर 1 तरीके से ही करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो? आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं क्या? एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं क्या? ये सारी चीजों को समझते हुए चलिए, इस चीज को मैं अप्लाई करने वाला हूं परसों के टाइम पे, जब आपको एडिशन रिएक्शन सिखाऊंगा। यही सारी चीजें होंगी जब वो मार्गिनिकोव और एंटी मार्गिनिकोव का फंडा आ जाता है। यार कोई सब फालतू चीजें, आपको तो मैं सीधा कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस चीज को सीखिए, इसको कॉन्सेप्ट को फील करिए, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देखिए, मजबूर कीजिए अपने आप को देखने के लिए कि क्या कहाँ पे कैसे बताया है। और जो भी कैसे भी डाउट आए कमेंट्स नीचे लिख दीजिएगा, मैं डाउट जरूर बताने वाला हूँ इस टॉपिक के, अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा। तो इसी के साथ ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कुछ थोड़ी बहुत बातें हमने कंप्लीट कर दी है, जो खत्म कर दिया है। इसको मैं, अगर आपको डाउट आता भी है तो इसको मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। यार ये एक सीरीज है पूरी सीखने की, ऐसा नहीं कि आज सीखा तो आज ही आना चाहिए। अरे धीरे धीरे आएगा, जब क्वेश्चन करोगे, जब कॉन्सेप्ट समझोगे, तब आपको एकदम अच्छे से बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।